गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पीएचपी की क्लास के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग पीएचपी डेट एंड टाइम फंक्शन के नाम से जानते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अरे कि अरे क्या होता है। अरे को हम लोग कीवर्ड के द्वारा क्रिएट किया था और फंक्शन के द्वारा भी क्रिएट किया था। तो चूंकि पीएचपी में डेट और टाइम क्या किसी भी लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में हम जब भी वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं तो डेट और टाइम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज उन्हीं को हम लोग आगे पढ़ने चल रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। डेट एंड टाइम आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एवरीडे टास्क। हम प्रत्येक दिन जब भी कोई कार्य करते हैं या कोई कार्य करने जाते हैं तो हमें उसकी प्लानिंग करने के लिए या प्लान करते समय उसको शेड्यूल्ड करते समय डेट और टाइम एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, जिसके द्वारा कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड ट्रैकिंग एक्टिविटी हम रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं तथा हमारे द्वारा की गई एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला आता है डेट फंक्शन। पीएचपी डेट फंक्शन इज एन इनबिल्ट फंक्शन। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। तो वही तो मैं बोला था बेटा कि स्क्रीन शो रही है। तुमने कहा कि शो रही है। सर मैं तो जस्ट अभी आई। अभी शो हो रही? लोड हो रहा है सर। हाँ खोलो होने लगी सर। यस सर। तो पीएचपी डेट फंक्शन जो होता है आपका वो इनबिल्ट फंक्शन होता है। इनबिल्ट का मतलब बिल्ट इन, पहले से डिफाइन किया गया फंक्शन। सिंप्लीफाई वर्किंग विथ डेट डेटा टाइप्स, और इसमें जो वर्क करते हैं वो डेट डेटा टाइप का एक इंपैक्ट होता है जिसके साथ हम वर्क करते हैं। पीएचपी में डेट को एक्सेस करने के लिए डेट फंक्शन जो कन्वर्ट्स करता है टाइम स्टैम्प को हमारे रीडेबल, मतलब हम उसको पढ़ सके डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में। इसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, डेट फॉर्मेट और टाइम स्टैम्प, ये एक सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। अब यहां पर जो डेट है वो डेट क्या है, इज द फंक्शन दैट रिटर्न्स द करंट टाइम स्टैम्प इन पीएचपी ऑन द सर्वर। मतलब ये जो डेट फंक्शन हमने यूज किया है ये करंट टाइम स्टैम्प का जो सर्वर, सर्वर का मतलब होता है जिस कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं उस कंप्यूटर की करंट डेट और टाइम को क्या करेगा, हमें रिटर्न करता है। दूसरा होता है फॉर्मेट, इज द जनरल फॉर्मेट विच वी वांट आवर आउटपुट टू बी। मतलब ये एक ऐसा जनरल फॉर्मेट है जो हमें आउटपुट प्रदान करता है। फॉर्मेट
अब फॉर्मेट कैसा, जैसे फॉर्मेट हम देंगे वैसा आउटपुट हमको आएगा। जैसे देखिएगा YMD मतलब आप ईयर पहले रखना चाहते हैं, फिर मंथ रखना चाहते हैं और फिर डेट रखना चाहते हैं, या सिर्फ आप Y रख के करंट ईयर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, या फिर टाइम स्टैम्प, ये तीसरा जो इसका पैरामीटर है आर्गुमेंट से वो ऑप्शनल है। इट इज द ऑप्शनल, इफ नो टाइम स्टैम्प हैज बीन प्रोवाइडेड PHP will get the current PHP date time on the server. अगर हम इसको नहीं भी देते हैं तो हमको PHP जो डिफॉल्ट टाइम हमारे सिस्टम पर शो हो रहा होगा उसे ये डिस्प्ले करके हमें दे देता है। ठीक है, आइए देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स देखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले जैम्प सर्वर को ओपन करना पड़ता है। ठीक है, जैम सर्वर हमारा स्टार्ट करते हैं। जैम सर्वर को दिख रहा है, सर्वर दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर। ओके, तो इसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और ऑन होने के बाद अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है, हमें क्या चेक करना है कि सर्वर हमारा ऑन है या नहीं। ठीक है, तो लोकल होस्ट लोकल होस्ट अब जैसे ही हमारे सामने देखिए शो करने लगा है। ठीक है, इस तरह से शो करेगा। अब हम उस प्रोग्राम सबसे पहले हम प्रोग्राम टाइप करते हैं। स्क्रीन दिखने लगी आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। पीएचपी स्क्रिप्ट यहां से स्टार्ट हुई। टुडे आज क्या है, एक वेरिएबल है डेट DMY, डेट मंथ ईयर। फॉर्मेट हमने क्या लिया है, डेट मंथ ईयर, और इसको यहां पर प्रिंट करा दिया। देखिए आउटपुट चलते हैं देखने के लिए इसका। क्या आउटपुट दिख रहा है, आउटपुट कुछ दिख रहा है? यस सर। क्या 16/11/2021 आज कौन सी डेट है? 16। ठीक है, इस तरह से करंट डेट को हम लोग प्रिंट करा सकते। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग द डेट एंड टाइम्स विद पीएचपी, कुछ फॉर्मेट्स हैं इसके। तो द फॉर्मेट पैरामीटर ऑफ द डेट फंक्शन इज इन फैक्ट ए स्ट्रिंग दैट कैन कंटेन मल्टीपल करेक्टर अलाउइंग यू टू जनरेट ए डेट स्ट्रिंग कंटेनिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डेट एंड टाइम। मतलब इससे क्या होगा, मल्टीपल करेक्टर्स हमको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे मैंने अभी DMY लिखा था, इस तरह कई सारे करेक्टर्स हैं जो
हमारे डेट और टाइम के फॉर्मेट को बताते हैं और जिसके अकॉर्डिंग जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला है डी। अगर हम सिर्फ डी यूज करते हैं तो क्या ये बोलेगा, रिप्रेजेंट डे ऑफ द मंथ, मतलब उस मंथ का डे रिप्रेजेंट करेगा टू डिजिट में, मतलब 01 से लेकर 31 तक। ठीक है, 31 एक से 31 के बीच में जो भी होगा उसे रिप्रेजेंट में क्या करूंगा, डी लूंगा। यदि मैं कैपिटल डी करता हूं तो ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट डे ऑफ द वीक, मतलब मंडे टू संडे। यदि स्मॉल डी लूंगा तो नंबर में प्रिंट करेगा, कैपिटल डी लूंगा तो वो अल्फाबेट से प्रिंट करेगा, टेक्स्ट के रूप में। तीसरा है स्मॉल एम। यदि मैं स्मॉल एम लेता हूं, ये मंथ एक से लेके 12 महीने जो भी होते हैं उनको ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। यदि कैपिटल एम लेता हूं तो क्या करेगा, मंथ का नेम प्रिंट करेगा, जनवरी टू दिसंबर। इसी तरह से यदि मैं स्मॉल वाई लेता हूं तो ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट ईयर इन टू डिजिट्स। ठीक है, 2008 का तो 08 करेगा, 2014 का 14, जिसे 21 सिर्फ 21 करेगा। यदि कैपिटल वाई लेता हूं मैं तो क्या करेगा, ये पूरा 4 डिजिट 2008 और 2014। ठीक, अब द पार्ट्स ऑफ द डेट कैन बी सेपरेट बाई इंसर्टिंग अदर करेक्टर, मतलब करेक्टर जिसे अपन डेट सेपरेट करते हैं ना, तो हम हाइपन के द्वारा कर सकते हैं, डॉट के द्वारा कर सकते हैं और स्लैश के द्वारा कर सकते हैं। ये तीन हमारे पास कंडीशन है, इन कंडीशन के थ्रू हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए इसके प्रोग्राम्स कुछ देखें। स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है, हेलो हेलो, देखिए यहां पर इको डेट फॉर्मेट है डीएम कैपिटल वाई, डीएम कैपिटल वाई एंड द डी डॉट एम डॉट वाई, तीनों का अलग अलग फॉर्मेट्स है, स्लैश हाइफन और डॉट। रन करते हैं इसको, ये देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन में कि किस फॉर्मेट्स में, ये तीनों फॉर्मेट्स अलग अलग जो भी हमने देखा है वो डेट यहां पर प्रिंट कर रहा है। ओके, अब हम देखिए एक प्रोग्राम और देखिए यहां पर, इसमें इको डेट HIS, इको डेट FDYHISA, फिर इको डेट HIA। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आप देखिए टाइम यहां पर बता रहा है, इसमें टाइम के साथ नवंबर 16 और 2000 की डेट बता रहा है और ये टाइम का एक्सेक्ट बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेट और टाइम एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। फॉर्मेटिंग द डेट एंड टाइप्स हो गया ये। अब टाइम फंक्शन,
time function. PHP has the time function, that is a built-in function. PHP में जो time function है वो क्या है? Built-in function. That provides you with the time stamp of the current time. जो current time है, उसका time stamp आपको provide करता है. It is a by default functionality of the time function. और ये default functionality है time function की. This means that you do not have to pass the time to this function. मतलब हमें pass करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. It automatically consider the current time and convert into the time stamp. ये जो current time होता है उसको लेता है और convert कर देता है time stamp. The time function is used to get the current time as Unix stamp. मतलब ये Unix stamp पे लेता है. मतलब seconds को क्या करता है? Number पर print करता है. जितने भी जनवरी 1 सपोज 1970 के बाद है तो GMT में ये उसको क्या करेगा? एक दो मतलब seconds में convert करके लिखता है. Time हमको नहीं बताता ये. ठीक है, syntax है time function. ओके, देखिए मैं इसका अब बताता हूं आपको कैसे करता है एक्सेल में. ये एक प्रोग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है? नहीं सर, अभी स्क्रीन में शो हो रही. अभी शो रही है ना? देखिए, यस सर, डाला टाइम स्टैम्प, एक हमने वेरिएबल ले लिया और टाइम फंक्शन को उसपे कॉल कर दिया, फिर इको टाइम स्टैम्प नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा दिया. तो देखिए टाइम कैसे प्रिंट करेगा, जरा देखिए आप. कुछ दिख रहा है सर? क्या दिख रहा है? दिख रहा है. क्या दिख रहा है? प्रोग्राम नहीं दिख क्या रहा है? आउटपुट दिख रहा है? आउटपुट नहीं अभी. नहीं अभी दिख रहा है. क्या दिख रहा है? 16 37 0 36 212. ये सेकंड में टाइम, जितने भी सेकंड्स अभी तक जनवरी 1 से हुए होंगे उन सबको यहाँ पर ये क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है. ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प है. लेकिन ये हमको नहीं समझ में आ रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? यूजर रीडेबल, जो यूजर पढ़ सकते वो टाइम अगर हो तो बेहतर होगा. तो अब देखे हम टाइम स्टैम्प को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ठीक है, एक दिख रहा है प्रोग्राम? यस सर दिख रहा है. ये टाइम स्टैम्प नाम का एक वेरिएबल लिया, टाइम फंक्शन को उस पर कॉल किया, इको टाइम स्टैम्प. पहले हम एक बार इसको प्रिंट करा देंगे, फिर नेक्स्ट लाइन मतलब में बी आर ब्रेक द लाइन, फिर डेट एफ डी वाई एच आई एस आवर्स सेकेंड्स मिनट्स ये सब उसको हम प्रिंट कराएंगे. काहे में? टाइम स्टैम्प जो हमारा वेरिएबल. देखिए कैसे करेगा. ये पहले 16 17 303 दिया था ना, अब नवंबर 16 2021 5:18:23. अब आप सोच रहे हो सर ये 5:18:23 क्यों बता रहा है? क्योंकि ये जीएमटी पे बता रहा है. ठीक है, ये हमारा टाइम, ये जो टाइम सर्वर का है उस सर्वर के टाइम को ये एक्सेस कर रहा है. ठीक है, जो सेटिंग हमारे टाइम की है उस टाइम को एक्सेस करके हमें प्रिंट कर रहा है. ठीक है, तो ये थी आज की क्लास. नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें किसी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे. थैंक यू. थैंक यू सर.